लीना के पास दो स्मार्टफोन्स थे, दोनों ही स्विच ऑफ थे, जिनकी जानकारी दे दी गई थी। पुलिस ने एक ही नंबर ट्रेस करा और उसी की लोकेशन बताई कि 29th को होशंगाबाद में उसका टावर मिला है। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ था, 5 मई को दोबारा ऑन हुआ है। पहली स्टेटमेंट पुलिस की आई कि होशंगाबाद से एक कॉल हुई है 1 मिनट की डिग्री में। नेक्स्ट डे वहां कौन रहता है स्टेटमेंट टिगरी में? कोई नहीं, लीना किसी को नहीं जानती थी वहाँ लोकल। नेक्स्ट डे स्टेटमेंट चेंज हो गया था कि फ़ोन का टावर जो 5th को लोकेट हुआ है वो है पंचगिनी, तो लीना पंचगिनी के किसी होटल में होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस ने दी थी, तो हमने पुलिस की इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना बंद कर दिया था। हमने मीडिया की ही हेल्प ली, उन्हीं के और हमने फेसबुक पे सेव लीना कैंपेन चलाया लीना को ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मीडिया का साथ मिला और इस वजह से पुलिस ने भी थोड़ी ईगरनेस दिखाई गिरफ्तार आपको ये कैसे किया पता चला जाए। कि लीना की डेथ हुई और कब पता चला? हमें ये आज सुबह ही पता लगा। हमारे पास ये थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि क्योंकि लीना बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो बच के कैसे भी निकल सकती है। अगर कुछ खतरे में भी है तो, कि अगर उसको बंधक बना रखा है तो हमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता था वो बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी।